हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है अल्ट्रा कैब इंडिया लिमिटेड कंपनी। ये देखिए, ये जून 2020 में केवल 9.94 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और फिर मई 2021 में इसने लगभग 30 रुपये को भी टच किया है और फिर फरवरी 2022 में इसने लगभग 44 रुपये को टच किया है। यानी कि 2 साल में ही इसने 9 रुपये से 44 रुपये को इसने टच किया है। तो ये जो स्टॉक है इसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है और अगर आप इसके पिछले 12 महीने की अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो वो 57% की है और पिछले 12 महीने की अगर आप इसकी सेल्स ग्रोथ देखोगे तो वो 10% की है और अगर आप इसके पिछले 12 महीने की रिटर्न ऑफ इक्विटी देखोगे तो वो 20% की है। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसकी जो सेल जो लगातार बहुत ही अच्छी होने लग रही है। ये जो कंपनी है ये जो बिजली के जो तार होते हैं उनको बनाती है और उनको ये एक्सपोर्ट करती है। इसका अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे आप तो इसमें सबसे पहले आता है डोमेस्टिक केबल, तो इसमें ये PVC हो गया, XLP पावर एंड कंट्रोल केबल्स हो गया, मल्टी कोर फ्लेक्सिबल केबल हो गया जो कि उद्योगों में यूज होती है और जो घरों में यूज होने वाली केबल हो गया, जो बिल्डिंग में यूज होती है वो केबल हो गया, फ्लैट केबल हो गया जो कि जो समरसिबल पंप होते हैं उनमें यूज होती है, उनको बनाने का काम ये कंपनी करती है। और जो इंटरनेशनल केबल है जिनका ये बना के एक्सपोर्ट करती है उसमें ऑटो केबल हो गया, उद्योगों में यूज होने वाली केबल हो गया, वेल्डिंग केबल हो गया, बिजली की केबल हो गया, इनको ये बना के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। और कुछ ये स्पेशल केबल भी बनाती है जैसे कि सुपर फ्लैट केबल हो गया, अल्ट्रा ट्रिपल प्रोटेक्टेड केबल हो गया जो कि घरों में यूज होती है, एलिवेटर केबल हो गया, सोलर केबल हो गया, कंट्रोल केबल हो गया। तो ये कुछ स्पेशल केबल हैं जिनको ये बनाने का काम ये कंपनी करती है। और इसका जो 90% का जो रिवेन्यू आता है वो जो भारत में जो सेल करती है उससे ये जनरेट करती है और जो 10% का जो रिवेन्यू है ये एक्सपोर्ट करके जनरेट करती है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो गुजरात में स्थित है और ये 11,483 वर्ग मीटर में फैली हुई है और इस यूनिट में तार खींचने से लेकर फिनिशिंग तक का जो भी प्रोसेस होता है वो सभी इसी यूनिट में किया जाता है। और इन्होंने बिजली के जो तार होते हैं उनको बनाने के लिए और जो कंट्रोल केबल होती है उनको बनाने के लिए भी और भी अधिक मशीनरी ये खरीदने लग रहे हैं। और अभी इसके जो प्रोडक्ट हैं वो मुख्य रूप से जो यूज होते हैं वो उद्योगों में, रेलवे क्षेत्र में, रियल एस्टेट में और जो कृषि का जो क्षेत्र है उसमें इसके जो प्रोडक्ट है उनका मुख्य रूप से अभी यूज किया जाता है। और इस कंपनी के जो मुख्य ग्राहक हैं उनमें अडानी हो गया, ABG स्पियार्ड हो गया, ABB लिमिटेड कंपनी हो गया, एलस्टोम टी एंड डी इंडिया लिमिटेड कंपनी हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, वोल्टास हो गया, टा पावर प्रोजेक्ट हो गया, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो गया। तो ये इस कंपनी के मुख्य कॉरपोरेट और ग्लोबल क्लाइंट हैं। इसकी जो मार्केट कैप है वो 151 करोड़ की है। इसका जो बॉन्ड वीक का है वो 33.60 रुपये है और जो लो है वो 11.50 रुपये है और इसकी जो बुक वैल्यू है 2.50 रुपये है। इसका जो ROC है वो काफ़ी अच्छा 17.9% का है और इसका जो ROE है वो भी काफ़ी अच्छा है 20.1% का है और इसके ऊपर जो डेट ऑफ इक्विटी है वो 1.05% की है, यानी कि थोड़ा बहुत कर्जा भी है इसके ऊपर। और इसकी जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो 20.1% की है और इसमें जो प्रमोटर है उनकी कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। और इसके ऊपर जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो 49.10 करोड़ की हैं। इसकी जो टोटल एसेट है वो 86.40 करोड़ की है और ये जो स्टॉक है इसमें वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। और अगर आप इसकी सेल्स देखोगे तो ये देखिए, इसकी जो सेल्स है लगभग क्वार्टर वाइज 24 करोड़ रुपये से ऊपर की ही रहती है। ये देखिए, मार्च 2023 में इसने 24.83 करोड़ की सेल्स की है और जून 2023 के क्वार्टर में इसकी जो सेल्स है वो बढ़ के 26.22 करोड़ की हो गई है। इसकी जो अदर इनकम है वो भी क्वार्टर वाइज 4 लाख की, 15 लाख की, 5 लाख की ऐसे हो जाती है। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी क्वार्टर वाइज 1.3 करोड़ का, 1.72 करोड़ का, 1.58 करोड़ का, 1.43 करोड़ का ऐसे हो जाता है। तो ये लगातार एक बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट करने लग रही है। ये देखिए, अगर आप इसके ऊपर कर्जा देखोगे तो इसके ऊपर अभी केवल 34 करोड़ का कर्जा है। इसकी जो रिजर्व कैपिटल वो लगातार बढ़ने लग रही है, जहाँ पहले 7 करोड़ होती थी वहाँ बढ़ के 13 करोड़ हो गई है।
और इसकी जो टोटल एसेट वो भी लगातार ही बढ़ने लग रही है, 57 करोड़, 69 करोड़, 76 करोड़, 84 करोड़, अभी 86 करोड़ की है। तो देखिए इसकी जो टोटल एसेट है वो काफ़ी अच्छी है और इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो भी काफ़ी अच्छी है। उसको देखते हुए इसके ऊपर जो कर्जा है वो बहुत ही कम है, ये जब भी चाहे अपने ऊपर लिए गए कर्जे को उतार सकती है। और अगर आप इसमें प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे तो इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 62.13% की है और जो ये होल्डिंग है ये कहीं भी प्लेज नहीं है। तो देखिए अभी जो ये स्टॉक है ये 15 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा है, इसके जो एडवांटेज वो ये हैं, इसकी जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी होने लग रही है और लगातार ही एक प्रॉफिटेबल कंपनी है ये। दूसरा, इसकी जो टोटल एसेट वो लगातार बढ़ने लग रही है, इसकी जो रिजर्व कैपिटल वो भी लगातार ही बढ़ने लग रही है। आप इसको बाय करके अगर आप थोड़े बहुत टाइम के लिए अगर इसको होल्ड कर लेंगे तो आपको इसमें एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट दिखाई देंगे। तो किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाते हैं तो अपना खुद का रिसर्च भी जरूर करें और अपने रिसर्च के आधार पर ही किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाएं। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पैसे को कई गुना तक ये आसानी से बढ़ा सकता है, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और एक फंडामेंटल एक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। सो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।